दोस्तों अगर आप भी भारतीय महिला टीम को दुनिया की सबसे अच्छी टीम मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों एशिया कप के फाइनल मुकाबले में तो भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम के साथ मजाक कर दिया और इस दौरान एक के बाद एक विकेट लेकर मात्र आधे घंटे में ही फाइनल मैच को रफा दफा कर दिया। आखिरकार रेणुका सिंह की शानदार हैट्रिक वाली गेंदबाजी तो वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ की चतुराई पूरी आपको यहां पर वीडियो में तो हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम में से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत थी। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों एशिया कप का फाइनल मुकाबला एक नए उमंग और जोश के साथ शुरू हुआ, जहां भारतीय महिला टीम श्रीलंका टीम में आमने सामने थी और श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अथापट्टू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और उन्हें क्या पता था कि ये बल्लेबाजी करने का फैसला उन्हीं की टीम पर इतना हावी हो जाएगा कि ये खेल मात्र आधे घंटे का ही रह जाएगा। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जब श्रीलंका महिला टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तब उनकी तरफ से पारी की शुरुआत चमारी अथापट्टू और अनुष्का संजीवनी ने करी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चमारी ने तो मात्र 12 गेंदों में 6 रन ही बनाए और रेणुका सिंह ने उनको शानदार रन आउट कर पहला बड़ा विकेट चटकाया। और इतना ही नहीं, एक के बाद एक श्रीलंका महिला टीम के विकेट गिरते चले गए, जहां दूसरा विकेट हर्षिता समारा विक्रमा के रूप में गिरा, जहां उनको रेणुका सिंह ने ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करवा दिया और हर्षिता मात्र 5 गेंदों में 1 रन ही बना सकी। और ये दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद अनुष्का संजीवनी भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाई और उनको पूजा वस्त्रकार ने शानदार रन आउट किया और वो 4 गेंदों में मात्र 2 रन पर ही पवेलियन लौटी। और देखते ही देखते 3 बड़े विकेट श्रीलंका महिला टीम के 9 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे और ओवर कितने हुए थे, बस 4। हालांकि दोस्तों यहां पर अब उम्मीदें लग रही थी हसीनी परेरा और कविशा दिलहारी जरूर मैदान पर टिककर अच्छी पारी खेलेंगी, लेकिन दोस्तों यहां पर तो कुछ उल्टा ही हो गया। जहां हसीनी परेरा पहली ही गेंद पर रेणुका सिंह की स्मृति मानधना को कैच थमा बैठी, तो वहीं कविशा दिलहारी भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाई और उनका विकेट रेणुका सिंह ने 1 रन पर ही चटका दिया। और फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ऐसा प्रदर्शन देखने के बाद तो सही में पूरा भारत देश गदगद हो गया। तो वहीं हम आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया है, क्योंकि इस मैच में मात्र 16 रन के कुल स्कोर पर ही श्रीलंका महिला टीम ने 5 बड़े विकेट अपने गवा दिए और 5 विकेट गवाने के बाद पूरी की पूरी टीम भारतीय महिला टीम के आगे घुटने टेकती हुई नजर आई है। हालांकि दोस्तों यहां पर टीम इंडिया की तरफ से ऐसा प्रदर्शन देखने के बाद तो सही में गौरवान्वित हम सभी महसूस कर रहे हैं। बाकी हम आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम ने इस साल एशिया कप के फाइनल में अपनी लगातार 7वीं बार जगह बनाई है और ऐसे में इस मुकाबले को जीतने के साथ ही वो 7वीं बार एशिया कप के खिताब को अपने नाम करेगी। हालांकि मैच रोमांचक था और 6 विकेट यहां पर गिर जाने के बाद रेणुका सिंह ने जहां 3 ओवर में ही 3 विकेट चटका दिए थे, तो वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ को 1 विकेट मिला। दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी मैदान पर हम सभी को देखने के लिए मिली है। बाकी आप सब यहां पर देख भी सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है भारतीय महिला टीम के ऐसे जबरदस्त प्रदर्शन के बारे में, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।